हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आपको मिलवाते हैं रामकरण से। कांस्टेबल एसएसबी 2012 के भर्ती हैं। उससे पहले 2011 की एसएससी भी देखी थी, उससे पहले जो स्पेशल भर्ती हुई थी इसमें सभी फोर्सेस की 2010 में वो भी देखी, और उससे पहले दो बार आर्मी का रेस भी कोशिश किया लेकिन नहीं सफल नहीं हो पाया। 2011 की एसएससी भर्ती में बहुत उम्मीद थी कि इस भर्ती में भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन जब वहां भी सफलता नहीं मिली तो हताश और निराश नहीं हुए और ये तय किया कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा। और आज इनको बेटा हुआ है तो उसकी खुशी ये हमारे साथ भी शेयर करने के लिए आए हैं। कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और तकलीफें बांटने से कम होती हैं। कभी रामकरण भी मेरे सामने इस तरीके से बैठ के पढ़ा करते थे और आज वर्दी पा चुके हैं। पिछले 9 साल इनको लगभग हो गया है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि दुश्वारियां परेशानियां जो है वो इस कदर रास्ता बंद कर देती हैं कि कुछ नजर नहीं आता कि अब मेरी एज नहीं बची, अब मेरे साथ क्या होगा, मैं मेडिकल में अनफिट हो गया, मैं मैरिट में सेलेक्ट नहीं हो पाया, मेरा क्या होगा। रामकरण के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले असफल हुए, आर्मी की रेस भी नहीं कर पाए, उसके बाद में रिटर्न नहीं हो पाया, और जब सफल नहीं हो पा रहे थे तो हताश और निराश नहीं हुए, फिर तय किया कि मैं इस बार वर्दी पा जाऊंगा और मेहनत में कमी नहीं की। तो वही काम आपको करना है। हम भी अपेक्षा करेंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, उनकी मिठाई की हम अपेक्षा जरूर करेंगे कि एक दिन आप भी आएं और मिठाई खिलाएं हमें। जय हिंद।